सीएम केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, गोवा जाने का है कार्यक्रम। आबकारी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चौथी बार समन जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन को नजरअंदाज करेंगे या नहीं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आज ईडी के सामने पेश होंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। गोवा दौरे पर जाने का है कार्यक्रम। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोवा रवाना होने वाले हैं। समन के बारे में पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इसे अवैध बताया है। वह इससे पहले 3 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि कानून के मुताबिक जो करना है वह करेंगे। अरविंद केजरीवाल की एजेंसी के सामने आज पेश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनका 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होने का कार्यक्रम है। इससे पहले केजरीवाल 11 जनवरी को गोवा के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की तैयारियों की निगरानी के लिए उन्होंने इसे टाल दिया था। कानूनी सलाहकार की सलाह के अनुसार करेंगे काम सौरभ भारद्वाज। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते चौथी बार ईडी ने दिल्ली के सीएम को समन जारी किया था और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। हालांकि एक बार फिर उनके ईडी के सामने पेश न होने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था कि वह जो भी करेंगे कानून और कानूनी सलाहकार की सलाह के अनुसार करेंगे। बता दें कि आबकारी मामले में ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र में दिल्ली के सीएम के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने में गुटबंदी हुई और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का बार बार खंडन किया है।